तो चलो आज बात करते हैं उन स्मार्टफोन्स की जो आने वाले वक्त में लॉन्च होंगे और मोबाइल फोन के मार्केट में, स्मार्टफोन मार्केट में धूम मचा देंगे। कौन से वो स्मार्टफोन हैं, कौन से वो अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं, आज इस वीडियो में जानते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्मार्टफोन का इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, साल ये खत्म होने वाला है और इस साल के खत्म होते होते और अगले साल की शुरुआत में जिस स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा इंतजार ज्यादातर लोग कर रहे हैं, इट्स नन अदर देन शाओमी का रेडमी नोट 11 सीरीज। इस रेडमी नोट 11 सीरीज में कुछ फोन लॉन्च होंगे, तीन चार मॉडल लॉन्च होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो प्रो मॉडल और जो बेस वेरिएंट होता है रेडमी 11, उसके बारे में, रेडमी नोट 11 उसके बारे में इंतजार कई यूजर्स कर रहे हैं। और इंतजार आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि रेडमी नोट सीरीज जो है हमेशा से जानी जाती रही है बढ़िया स्क्रीन और कम दाम में बेहतरीन फीचर्स, फिर चाहे वो कैमरा हो या परफॉर्मेंस हो। और इस अपनी इमेज के ऊपर रेडमी नोट 11 सीरीज पूरी तरीके से खरी उतरती हुई दिख रही है, जैसा लीक्स बता रहे हैं, जैसा इसके सजेस्टेड फीचर्स बता रहे हैं। जैसे कि कैमरे के मामले में दोनों ही फोन्स काफी तगड़े होंगे। रेडमी नोट 11 सीरीज 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसके बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रो होगा रेडमी नोट 11 प्रो उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का बेहतरीन कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही रैम के अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन्स, अगर प्रोसेसर की अगर हम बात करें और रैम की बात करें, तो मीडियाटेक डिमेंसिटी 810 MT6833 प्रोसेसर पर इसका बेस वेरिएंट चलेगा, और मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 चिपसेट के ऊपर इसका प्रो वर्जन चलेगा। और रैम के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 GB, 6 GB और 8 GB तक रह सकते हैं। अगर कीमत की अगर मैं बात करूं रेडमी नोट 11 सीरीज की, तो ये करीब 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक इसके सारे मॉडल्स, फिर चाहे वो प्रो हो, बेस वेरिएंट हो या कोई टी वेरिएंट जिसका लॉन्च होता है, इसी प्राइस रेंज में तीनों मॉडल फिट हो जाएंगे। कंप्लीट पैसा वसूल रेडमी नोट 11 सीरीज, और इसका इंतजार आई एम श्योर कई लोग कर रहे होंगे। लेकिन शाओमी को अगर पिछले कुछ सालों से अगर कोई कंपनी सही मायने में टक्कर दे रही है, तो वो बजट और मिड सेगमेंट में रियलमी है। और रियलमी 9 प्रो सीरीज का इंतजार भी बहुत लोग कर रहे हैं। जनवरी के महीने में रियलमी 9 प्रो के दर्शन हम सब लोगों को हो सकते हैं। कीमत इसकी करीब 19-20 हज़ार रुपए के आसपास होगी, लेकिन अगर प्रोसेसिंग पावर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज होगी, और 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप हमें रियलमी 9 प्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंप्रेसिव फीचर्स हैं, और आप अगर ये इबारत को अगर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें तो साल 2022 में, अगले साल हमें 108 मेगापिक्सल मतलब ऐसा कॉमन हो जाएगा, मतलब आलू प्याज के भाव पे हमें जो है ना 108 मेगापिक्सल कैमरा फोन्स हमें देखने को बड़े आसानी से मिलने लगेंगे। तो एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि तैयारियां तो अगले साल 200-250 मेगापिक्सल के कैमरा फोन की चल रही हैं। वो तो खैर बाद में लॉन्च होंगे, लेकिन रियलमी 9 प्रो अगले साल के पहले महीने, मतलब जनवरी, मिड जनवरी लास्ट के आसपास लॉन्च हो सकता है रियलमी 9 प्रो। बताइए नीचे कमेंट करके कि इसका इंतजार आप लोगों को है या नहीं। लेकिन एक फोन जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है वो है वन प्लस 10 प्रो, वन प्लस 10 सीरीज। और ये हो सकता है, जैसे नॉर्मली वन प्लस के फोन्स हमें अप्रैल मई में देखने को मिलते हैं, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि वन प्लस 10 प्रो हमें 2022 की शुरुआत में ही ये लॉन्च होता हुआ दिख जाए। 12 GB रैम, 8 GB रैम का शानदार कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर जो 8, स्नैपड्रैगन 8 का जनरेशन 1, जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा होगा कि स्नैपड्रैगन दरअसल अब नंबर्स हटा रहा है अपने प्रोसेसर में, तो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिलेगा। साथ में 8 GB 12 GB रैम का कॉम्बिनेशन होगा, बेहतरीन कैमरा होगा,
मेगापिक्सल वाइज जो वन प्लस है वो मेगापिक्सल वॉर में अब उससे थोड़ा पीछे हट रहा है, तो कैमरा तो इसमें 48 मेगापिक्सल का देखने को, ऐसा खबरें सुनने में आ रही हैं कि देखने को मिलेगा, लेकिन उस कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी और कहीं ना कहीं वो सैमसंग और एप्पल को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। वन प्लस तो उस लिहाज से अपने स्पेसिफिकेशंस भी फ़ोन के उसी लिहाज से ढालने की कोशिश कर रहा है। बेहतरीन स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी वन प्लस 10 प्रो के अंदर, और कीमत जो है इसकी इस बार, जैसे हर बार हम लोग कहते हैं कि इस बार वन प्लस कहाँ तक जाएगा, जैसे पहले सोचते थे 50,000 टच कर दे तो बहुत महंगा हो गया, फिर 50 का उन्होंने 60,000 भी टच कर दिया, लेकिन वन प्लस 10 प्रो के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि ये फ़ोन शायद 70,000 2022 में टच कर दे, तो हर साल एक प्राइसिंग के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, क्या दिक्कत है। मोटोरोला भी अगले साल काफी कमाल करने वाला है। खबरें आपने सुनी होंगी कि 200 मेगापिक्सल वाले फोन लॉन्च करने की तैयारी में मोटोरोला, लेकिन वो तो फोन कब लॉन्च होगा कह नहीं सकते, लेकिन मोटोरोला एज एस जरूर हमें जनवरी फरवरी के महीने में अगले साल देखने को मिल सकता है। और इस फोन की अच्छी खूबी ये है कि मोटोरोला के जितने सारे होते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर चलते हैं, आपको गूगल का क्लीन इंटरफेस देखने को मिलता है, एंड्रॉयड का पूरा क्लीन इंटरफेस आपको मोटोरोला के फोन्स में देखने को मिलता है, यहाँ भी वही चीज़ होगी। इसके साथ ही मोटोरोला एज एस में आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, वो टेक्नोलॉजी जो पिछले 1-1.5 साल से आ रही है जा रही है, कितनी सक्सेसफुल हो रही है कितनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है ये इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटोरोला एज एस में डुअल सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर अगर कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के ऊपर चलेगा, रैम के वेरियंट कई होंगे इसमें, 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर होगी, और मोटोरोला एज एस जो लॉन्चिंग इसकी जो तारीख हो रही है, या तो ये दिसंबर में लॉन्च होगा, अगर दिसंबर में लॉन्च नहीं होता है मतलब इस साल अगर इसी महीने में अगर लॉन्च नहीं होता है तो ये अगले साल तक खिंचेगा करीब जनवरी मिड तक। लेकिन अपकमिंग फोन्स की लिस्ट में जो फोन सबसे पहले लॉन्च हो सकता है, इट्स नन अदर देन सैमसंग गैलेक्सी M62। सैमसंग की एम सीरीज मॉन्स्टर सीरीज, बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन, बढ़िया परफॉर्मेंस। सैमसंग M51 आज भी बहुत बिक रहा है, बहुत चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उसी का अपग्रेडेड और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन अवतार M62 दिसंबर मिड करीब 18 दिसंबर को कह रहे हैं कि इसका लॉन्च हो सकता है, और ये लॉन्च होगा 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी M62 में आपको देखने को मिलेगी, और एक्सिनॉस 9 ऑक्टा 9825 प्रोसेसर पर चलेगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप होगा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा M62 में हमें देखने को मिलेगा, 6.7 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले होगा, 8 GB RAM, 128 GB की स्टोरेज, कुल मिलाकर सैमसंग का भरोसा चाहिए, तगड़ी बैटरी लाइफ चाहिए, तो कंपटीशन को ये फोन अपने मॉन्स्टर फीचर्स के कारण पूरी तरीके से साफ कर सकता है। लेकिन सैमसंग M62 के ही साथ साथ करीब उसी दौरान उसी वीक में इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो भी लॉन्च हो सकता है। इन्फिनिक्स का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन मतलब अपने पैसा वसूल फीचर्स के कारण, हालांकि पैसा वसूल उतना बजट सेगमेंट में लॉन्च नहीं होगा कि 10-11 हज़ार रुपये में, करीब 20-22 हज़ार रुपये का ये फ़ोन होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें फीचर्स इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। मीडिया टेक का हीलियो G95 प्रोसेसर इसके अंदर होगा, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल सकता है, साथ में 8 GB RAM और 128 GB की स्टोरेज इसके अंदर देखने को मिलेगी, 6.67 इंच की एमोलेड स्क्रीन इसके अंदर होगी, और दिसंबर के महीने में यानी इसी महीने में ये फ़ोन इन्फिनिक्स का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे वो सारे फोन्स जो आने वाले 1-2 महीने में जिनके ऊपर हम सबकी नज़र रहने वाली है। तो भाई इनमें से कोई फ़ोन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कमेंट में करके बता दो, और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सी यू।